2024 जनरल इलेक्शन का आखिरी फेज अभी बाकी है और इस दौरान अगर हम बात करें तो ओडिशा का बात करें, ओडिशा में तीन प्रमुख दल है, बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस। इन तीन दलों में ज्यादातर फाइट देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो बीजेडी और बीजेपी के बीच में कांटे काट का फाइट हो रहा है और थर्ड पोजीशन में कांग्रेस रहता है। तो पिछले बार जैसे कांग्रेस रहा था थर्ड पोजीशन में, इस बार भी कांग्रेस थर्ड पोजीशन में रहेगा ऐसे चर्चा हो रही है। तो इस बार सीट किसको ज्यादा मिलेगा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी ओडिशा में हालांकि ये बताया जा रहा है कि ओडिशा में इस बार स्थिति कुछ बदल रहा है, इस बार ओडिशा में मोदी लहर चल रहा है, इस बार ओडिशा में बदलाव का जो लहर चल रहा है, इस बार आंकड़ा कुछ बदल सकता है, समीकरण कुछ बदल सकता है। और जो राजनीतिक दल है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है, जो कांग्रेस, बीजेडी और बीजेपी जो प्रमुख राजनीतिक दल है, हर जो आते हैं सब बोलते हैं कि इस बार अगर हम सरकार बनाएंगे तो लोगों के लिए, कोई बोल रहा है अकाउंट में पैसा देगा, कोई बोल रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा स्कीम्स बनाएगा, कोई बोल रहा है कि ये हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा देगा, कोई बोल रहा है कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा कृषक को ज्यादा फायदा होगा। तो अगर सरकार बनाएंगे तो लोगों को ये ज्यादातर फैसिलिटीज देने के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो बीजेपी का जो केंद्र नेतृत्व यहाँ आ रहे हैं, अब प्रधानमंत्री मोदी का बात करें या फिर जो मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री, जो भी यहाँ आ रहे हैं, अगर सबका नजर अभी वहां जा रहा है कि इस बार समीकरण क्या बदल सकता है, क्या सीट, ज्यादा सीट बीजेपी को मिल सकता है। अगर बीजेपी को ज्यादा सीट मिलेगा तो किस अंदाज से मिलेगा, बीजेपी को लोकसभा का सीट ज्यादा मिलेगा ये भी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस बार बीजेडी, बीजू जनता दल को असेंबली का सीट ज्यादा मिलने के लिए ये भी कोशिश कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, लोगों के पास जाके मुद्दा बता रहा है कि जो BSKY कार्ड हो और जो स्टूडेंट्स के लिए जो स्टाइपेंड का जो स्कीम्स बनाया है बीजेडी सरकार, इसको मुद्दा बना के बीजेडी सरकार वोट लेने के लिए अभी ये स्ट्रैटेजी बना रहा है। और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी ये भी पीछे नहीं है, क्योंकि बीजेपी बोल रहा है कि इस बार अगर ये सरकार बनाएगा तो ये प्यादी का जो रेट है इसको 3000 से ज्यादा कर देगा। और कांग्रेस भी ये बता रहा है कि जिस दिन वो सरकार बनाएगा उस दिन से महिलाओं का अकाउंट को पैसा डालेगा। तो अगर हम देखें तो भुवनेश्वर और ब्रह्मपुर, संबलपुर और पुरी, ये जो चार जगह में फाइट, कड़ी फाइट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये कांटे कान का फाइट देखने के लिए मिलेगा वहाँ। ये जो चार सीट है ये इसको हॉट सीट बोला जाता है, टॉप सीट बोला जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पुरी में संबित पात्रा, भुवनेश्वर में अपराजिता षडंगी और ये धर्मेंद्र प्रधान, संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान लड़ रहे हैं। तो ये तीन सीट अभी काफी चर्चे में है और इन तीन सीटों में बीजेपी को ज्यादा फाइट मिलेगा ये भी बोला जाता है, क्योंकि पिछले बार इस सीट में ज्यादातर बीजेडी को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार बीजेपी उसी सब जगह में बीजेपी ज्यादा फायदा लेगा, बीजेपी ज्यादा सीट बनाएगा, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो लोकसभा हो। तो इस बार ज्यादा सीट बनाने के लिए बीजेपी सोच रहा है, बीजेडी भी पीछे नहीं है, क्योंकि बीजेडी ने अभी लोगों के पास जा रहा है, लोगों को ये बोल रहा है कि अगर हम इस बार फिर सरकार बनाएंगे तो लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रहा है वो फैसिलिटीज को ज्यादा बढ़ाएंगे, वो फैसिलिटीज दुगना होगा, तिगना होगा, ऐसे बोला जाता है। तो बिजली फ्री करने के लिए भी ये ओडिशा सरकार ने बोल रहा है। तो अगर हम देखें तो लोगों का मन में ये 25 साल का जो सरकार यहाँ चल रहा है बीजू जनता दल का, ये 25 साल का सरकार को उठा के बीजेपी क्या यहाँ सरकार बना पाएगा, क्या बीजेपी को ज्यादातर लोकसभा और असेंबली का सीट मिल पाएगा, क्या बीजेपी जो सोच रहा है, जो 400 पार का जो नारा दे रहा है, ये 400 पार का नारा क्या बीजेपी का सच होगा, क्या ओडिशा से बीजेपी को ज्यादातर लोकसभा सीट मिलेगा, ये अभी सबसे बड़ी बात है। तो आगे ही पता चलेगा, ये जो बीजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो प्रमुख लड़ाई हो रहा है, ये लड़ाई में हालांकि किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कौन ज्यादा सीट लेगा, कौन यहाँ सरकार बनाएगा, ये जून 4 को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ओडिशा में किसका पल्ला भारी है। भुवनेश्वर से अजय कुमार, आज तक।